फाइनली जोसा काउंसलिंग राउंड वन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके अंदर ये डाउट होगा कि भैया कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है राउंड वन का, ओके किस तरीके से कट ऑफ गया, हाई गया है या फिर लो गया है, फिर 2022 के तरीके गया है ओके या फिर अनएक्सपेक्टेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके कट ऑफ ट्रेंड, बहुत सारे बात करूंगा, बहुत सारे मैंने मेंशन भी किया है किस किस कॉलेज कट ऑफ हाई गए हैं, किस किस में लो गए हैं, ओके कौन सी कैटेगरी के हाई गए हैं, कौन सी कैटेगरी लो गए हैं, सारे IIT NIT IIIT की बात करेंगे ओके। सो वीडियो को लास्ट तक देखो, मिस मत करना होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कट ऑफ ट्रेंड तो CSB में आपको काफ़ी फायदा हो रहा होगा ओके। और जो लोग काउंसलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए CSB काउंसलिंग, तो वो मैंने लॉन्च कर दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दिया हूँ। ज्वाइन करने के बाद आपको कॉल आ जाएगा, फिर गूगल फॉर्म सेंड करूंगा, फिर उसके बाद आप मेरे से कनेक्टेड हो जाओगे, फिर आपको सारा कुछ कंसिडर करके आपको चॉइस फिलिंग PDF आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल रहा है। जितना मैं डाटा शेयर करूंगा ना, ये सारे डाटा जो मेरे यहाँ काउंसलिंग करा उनके ही है ठीक है, और उनके लाइक उनको बेटर कॉलेज मिले एज कम्पेयर टू 22 ओके, बिकॉज ऑफ एक अच्छे से चॉइस फिलिंग और अपने रैंक अकॉर्डिंग करोगे डेफिनेटली आपको बेटर ही मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि उनको लग रहा है कटअप काफी हाई गया है, किसी में लो ही नहीं गया है, तो वो वही लोग हैं जो 400-500 चॉइसेस फिल किए ठीक है, जिनको 200 अलॉटमेंट हुआ है, जिनको 150 अलॉटमेंट हुआ है, मतलब 150 नंबर वाला, समझ में आ रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले बात करेंगे हम लोग NIT राउरकेला ठीक है। तो NIT राउरकेला में EWS में CSE ब्रांच की अगर बात करें क्लोजिंग रैंक, हो सकता है कि और नीचे जाए ठीक है, ये 1604 पे मिला है CSE आपका EWS कैटेगरी में ओके, लेकिन पिछले साल का क्लोजिंग रैंक क्या था 1731, तो आसपास ये 100-150 का डिफरेंस हो सकता है, किसी और का और नीचे क्लोजिंग हो ओके, तो ये लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। IIT रुड़की की बात करें जनरल कैटेगरी में सिविल ब्रांच पिछले साल 6615 रैंक में मिला था, सॉरी इस बार 6615 रैंक में मिला है, पिछले साल 6421 में क्लोज हुआ था, तो लगभग 200-300 रैंक का डिफरेंस है, मतलब कट ऑफ इस कॉलेज में IIT रुड़की में सिविल ब्रांच घट गया है। अब बात करते हैं NIT सिलचर, तो NIT सिलचर में EWS कैटेगरी में सिविल ब्रांच आपको इस साल 10403 में मिला है, पिछले साल 9055 में क्लोज हुआ था। इसी कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच का कटअप थोड़ा सा हाई गए हैं ठीक है। अब बात करें IIIT नया रायपुर का लाइक डाटा साइंस ब्रांच, तो जनरल कैटेगरी में इस बार 18711 तक मिला है, और हो सकता है कि ये लाइक और भी नीचे जाए ठीक है, इतना तो कंफर्म है क्योंकि इस रैंक पे किसी को अलॉटमेंट हुआ है जो मेरे यहाँ काउंसलिंग ज्वाइन किया था ओके। और पिछले साल क्या था 18082 रैंक, तो 700-800 रैंक है, इसमें भी डिफरेंस हो सकता है कि 1000 रैंक डिफरेंस हो ओके। अब बात करते हैं IIIT ऊना, तो IIIT ऊना में जनरल कैटेगरी में CSE इस साल 20718 मिला है, पिछले साल 21897 क्लोज था, तो इसमें थोड़ा सा लाइक कट ऑफ का 500 का इंक्रीमेंट है ओके। हो सकता है कि किसी और को नीचे वाले रैंक पे मिला हो, तो वो जब फाइनल आपके कट ऑफ आएगा जोसा काउंसिल वेबसाइट पे तो पता चल जाएगा ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर IIIT जबलपुर, इसका कट ऑफ घट गया है ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। EWS में EC ब्रांचेस 2895 रैंक पे मिला है, पिछले साल 2814, तो थोड़ा बहुत ही कट ऑफ घटा है, बट 70-80 जो रैंक नीचे गया है उस वो भी मायने रखता है, समझ में आओ, खासकर IIIT जबलपुर में, और इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार ज़्यादा होने के बाद भी कट ऑफ 2022 के आसपास ही है, उससे घटा है, थोड़े बहुत में इंक्रीज भी हुए हैं, समझ में आए। अब बात करते हैं NIT जमशेदपुर का EWS में इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो वहाँ पर इस साल 2773 पे अलॉटमेंट हो गया है, पिछले साल 2772 पे क्लोजिंग था, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कट ऑफ क्या ट्रेंड है, कट ऑफ ना ही बहुत हाई गया है और बहुत ज़्यादा लो नहीं गया है, किसी किसी में लो गया है लेकिन वो पर्टिकुलर किसी होम स्टेट के लिए गया है ठीक है, बाकी ऑन एन एवरेज कट ऑफ पिछले साल के अकॉर्डिंग ही है ठीक है, किसी किसी बहुत ही ज़्यादा लो गया है। अब बात करते हैं, मैं बताता हूँ IIIT कोटा में, IIIT कोटा में तो काफ़ी लो चला गया है, मतलब जिसका 6th राउंड का क्लोजिंग था वो इस बार 1st राउंड क्लोजिंग हो गया है। CSE ब्रांच OBC में मिला है 7607 रैंक पे, पिछले साल OBC में क्लोजिंग था पिछले साल लाइक राउंड वन में 6941, समझ में आ रहा है, तो इसमें काफ़ी कटअप नीचे गया है। अब बात करते हैं NIT पटना में, इसमें फीमेल कोटा का मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच EWS में इस बार 6067 रैंक में मिला है, पिछले साल 5543 रैंक क्लोजिंग था, तो इसमें भी कटअप नीचे गया, 1000 रैंक से ज़्यादा गया है ओके। तो आई होप आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कट ऑफ का क्या वेरिएशन है, और अगले आने वाले राउंड में डेफिनेटली लास्ट राउंड 6 तक आते आते कट ऑफ नीचे ही जाना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कट ऑफ नीचे जाएगा ओके। बहुत सारे कॉलेज के नीचे गए हैं, कुछ कुछ के थोड़े से ऊपर भी हैं, तो वो भी नीचे आएंगे राउंड 6 तक, CSEP तक तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा ओके। तो काउंसलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किया CSE काउंसलिंग, तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए ओके। सो थैंक यू।